भारतीय सेना ने फिर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे एयरफोर्स, नेवी और थल सेना की ताकत और ज्यादा मजबूत होगी। दरअसल सेना ने एक ऐसी तीसरी आंख इजाद की है जो एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक नजर पर निगाह रखेगी, वहीं एलएसी पर चीन की चालाकियों की मॉनिटरिंग भी करेगी। सेना ने एक स्वदेशी ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इस ड्रोन का नाम तपस है। तपस ने भारतीय नौसैनिक अड्डे से उड़ान भरने के बाद सफलतापूर्वक और सुरक्षित तरीके से वापसी की है। आपको बता दें कि इस ड्रोन को डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से बनाया है। डीआरडीओ ने इसे भारतीय नौसेना के साथ मिलकर बनाया है और इसका परीक्षण आईएनएस सुभद्रा पर किया गया। सफल परीक्षण के बाद ये ड्रोन सुरक्षित तरीके से वापस उतर आया। बड़ी बात यह है कि ये मेल श्रेणी का ड्रोन है और भारतीय सेना ड्रोन विकसित करने पर भी जोर दे रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि युद्ध या संघर्ष की स्थिति में भारत घरेलू स्तर पर बनाए गए ड्रोन चाहता है और इसी वजह से इस साल एरो इंडिया शो के दौरान तपस ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया था और इसका पूरा नाम टेक्निकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस है। तपस ड्रोन की खूबियों की बात करें तो ये 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर सकता है। तपस एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस ड्रोन है। ये अपने आप ही टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखने वाला ड्रोन है। आपको बता दें कि तपस ड्रोन को लेकर सेना का कहना है कि इसका इस्तेमाल न सिर्फ दुश्मन पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है बल्कि दुश्मन पर हमला करने में भी इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है।